गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सभी कैसे हैं? सो गाइस, वही मॉर्निंग की शुरुआत हमारे ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, ये भी चले गए हैं, रोहन ने भी कर लिया है, बस मिशिका का रह गया है। उसने बोला है कि मुझे सैंडविच बना दो, तो बस वही अब मैं भी रेडी हो गई हूँ बिल्कुल। आज मैंने हेड वॉश भी किया और नहा धो के बिल्कुल ही अपना मैं रेडी हो गई हूँ। और बस अब अपने और कामों में कर रही हूँ कि क्या सोच रही हूँ कि वैसे मैंने आज लंच में बनाने काले चने, और अब डस्टिंग वगैरह तो सब वो कर जाती है, तो बस मैं अब वही सोच रही थी। मैंने कहा चलो अब क्या करती हूँ अपने कामों का, देखती हूँ कि अब किचन क्लीन करूँगी पहले, तो फिर उसके बाद अपना लंच बनाऊंगी। मेरे को भी ना सुबह से पता नहीं क्या सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, तो बस मैंने भी ना लाइट लाइट ब्रेकफास्ट ही किया है, बस रस चाय ली है और एक पीस ब्रेड, और मतलब कुछ भी खा लो एसिडिटी सी बन जाती है। तो बस वही मैं अपना, मैंने तो लाइट किया बस, अब मैंने पपाया कट किया वो खा लूँगी, और फिर उसके बाद मैं लंच की तैयारी करूँगी। ओके, सो मैं अभी आपको मिलती हूँ। बस अब मैं बना रही हूँ चाय, और मैंने रखे हैं ब्लैक चने बॉईल करने, क्योंकि निशिका कहती है कि मेरे को ना चाय बना दो मतलब ब्रेकफास्ट के बाद। तो फिर अब मैं सुबह चाय बना के दे रही हूँ, और एक वो बने, अब इसमें दूध भी डाल रही हूँ चाय में, मतलब चलो इसको बना के दे दूँ। फिर ये अपने आज कपड़े लेके के बैठ गई है, कह रही है मुझे ना आज अपने सारे विंटर्स के कपड़े रखने हैं और समर्स के निकालने हैं, क्योंकि इसको टाइम नहीं मिलता, इसका ऑफिस होता है। तो आज ये अब कह रही है कि मुझे निकालने ही है हर हालत में। अब बस अब मैं चाय और चने को तड़का मैं अभी बाद में लगाती हूँ, बॉयल मैंने कर दिए हैं और ये सब किचन वगैरह समेटूँगी। और मैंने कहा चलो मैं साथ साथ आपके साथ भी बातें करती रहूँ। ये बस अब मैं मिशिका तेरे कपड़े समेट रही हूँ ना, तो देख जरा कितने मतलब विंटर्स के इतने निकले हैं, अब ये समर्स के भी इसके ऐसे हैंग मतलब इसने कहा मम्मी मैं मैंने भी करे हैं, जो ऊपर हैंग हाँ करे हैं वो मैंने करे हैं, इसने बट मेरे अभी को नीचे वाले हेल्प मम्मी कर करवाई रही है। हैं। तो अब मैंने कहा चल तेरे कपड़े, ये जीन्स वीन्स हैं यार बहुत ज्यादा, ये काम बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है, समझ के हाँ, रखो। इट'ल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट जब हो हाँ जाता है देन यू फील रिलीव्ड। और फिर 2 दिन बाद फिर वापस से अलमारी खराब। हाँ वो तो यार इसीलिए मेन, मैंने टॉप ऊपर टांग दिया अपने, क्योंकि टॉप ढूंढने के चक्कर में सारा वो खराब हो जाता है। तो जितने टॉप हैं वो मम्मी को मैंने बोला ये स्कर्ट दिखा देख रही हो। हाँ ये कितनी प्यारी है, ये भी तू वेयर कर सकती है किसी टॉप, नॉर्मल ये जरूरी नहीं है आप किसी भी टॉप के साथ ऑफिस पहन में भी सकती पहन हो। सकते हैं इसे, तो हाँ मतलब ऑफिस वेयर ये है, शर्ट पेंसिल की स्कर्ट शॉर्ट है। लेंथ है थोड़ी सी, नहीं इतनी इतनी नहीं नहीं पहन है, सकती। नहीं, ऑफिस में थोड़ा सा ऑफिस के लिए ही यार होती है ये पेंसिल स्कर्ट होती उसके है। नीचे तू आज एक ना समर्स में नेट वाली स्टॉकिंग्स भी आती हैं, वो भी अच्छी लगती है बिल्कुल जैसे नेट पर लुक में आती है, वो भी बहुत अच्छी लगती है, वो पहन सकती है। जैसे अगर देखो शॉर्ट लगे ऑफिस के हिसाब से तो वो भी पहन सकती है, विंटर्स की भी आती है और वो भी। तो ये भी रख देती हूँ मैं तेरी, और ये सब चलो अब कर आप करो, अब देखते हैं मम्मी कितनी देर में फ्री होती हैं ये करके, अभी तो लगी हुई हैं। हाय। सो अब मैं आ गई हूँ किचन में, किचन में हो गया मेरा लंच टाइम। सो गाइज, लंच टाइम में मैंने आपको बताया था कि मैं बना रही हूँ ब्लैक चने, और ब्लैक चने मैं मतलब बच्चे कह रहे हैं कि हमने ना मतलब सूखे चने भी खाने हैं, और हमारे लिए वो भी रख लेना, और मतलब आप ना तरी वाले भी बना दो विद राइस। सो मैं उनके लिए, मिश्का कहती मुझे खाने हैं रात को सूखे मतलब ब्लैक चने, अभी नहीं, अभी तो मैं राइस और चने ही खाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं बस अब उसको तड़का ही लगा रही थी, उसमें बस जैसे वही बनता है और सब्जियों में, जैसे दो अनियन वगैरह मैंने कट कर लिए, देन टमाटो, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिया, और फिर बस तड़का हो गया रेडी। और फिर छोलों में मैंने डाल दिया और छोले भी हो गए रेडी, क्योंकि बॉयल मैंने छोले कर लिए हैं, बस अब तड़का लगाना ही रह गया है। तो मैंने कहा चलो मैं बीच बीच में आपसे ऐसी बातें करूं, फिर मैं सैलड वगैरह भी कट करूंगी यार। अब तो वैसे अब समर्स भी प्रॉपर मतलब जैसे कहते हैं ना आ चुकी हैं, तो मैंने अभी आपको दिखाया था मैं मिशिका के भी कपड़े समेट रही थी, मैं उसके सारे कपड़े समेट आई हूँ। अब क्या रह गया मेरा, रोहन का और इनका, इनके मतलब सारे मिंटर्स के जो कपड़े हैं हम तीनों के रह गए हैं। मैंने कहा यार पहले तेरे मैं कर देती हूँ, क्योंकि तूने तो बहुत ही मेरा डेली दिमाग खाया हुआ है कि मम्मी आप मेरे कपड़े अंदर रखो बाहर निकालो समझ के। मैंने कहा तेरा कर दूँ,
हमारी खैर है, हम तो तीनों का चल जाता है। और इसके पापा भी वैसे अब कह रहे थे कि मैं आऊँगा इवनिंग में, तो मैं बस अब बॉक्स खोल के प्रिंटर्स के अंदर रख दूँगा और समझ के बाहर निकाल लूँगा। और उनका भी ऐसी सेम, मेरा भी। अब एक्चुअली मैंने अपने कुछ कपड़े मिशिका के बॉक्स में भी रखे हुए हैं, बट अभी उसका ऑफिस चल रहा है तो मैं अब इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। सो मैं देखती हूँ, मैं अपना कल कर लूँगी, नो प्रॉब्लम। तो फिर बस ऐसे गाइस, बीच बीच में खाने के बीच बीच में बातें बातें करते रहो तो टाइम भी खुद का भी स्पेंड हो जाता है, और थोड़ा सा लगता है कि मैं आपको अपना अपडेट्स भी दे रही हूँ कि मैं अब ये कर रही हूँ। तो बस अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, तो लंच में तो वैसे वही, अब मैं को थोड़ा काम ही रह गया, बस तड़का लगा रही हूँ। और राइस मैं बॉयल्ड राइस ही बनाऊँगी, साथ में लाइट लाइट ही खाना है यार। पता नहीं क्या है आजकल, तो जैसे ना मेरा तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही बेकार हो गया, कुछ भी हैवी खा लूँ वो नहीं मेरे से डाइजेस्ट होता, एसिडिटी बनती रहती है। पता नहीं क्या सीन है, मुझे समझ नहीं आता। मुझे लगता है मैंने आज सुबह से बस वही ब्रेकफास्ट किया हुआ, चाय रस और पपाया खाया, और मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। मैंने कहा अब चलो मैं बस राइस और चावल थोड़े से ले, सॉरी, राइस और काले चने की ग्रेवी जो है वो ले लूँगी, और फिर बस लाइट लाइट लंच करूँगी विद कर्ड। देखती हूँ जैसे भी मन करेगा, कर्ड तो पड़ी हुई है। तो मैं अभी आपको बस, अब मैं लंच प्रिपेयर कर लूँ, सो मैं आपको मिलती है। बस अब छोले मैंने देखो बॉयल कर लिए हैं, इधर मैंने ना सूखे छोले थोड़े से रखे हैं, मिशिका वही कह रही थी रात को बना देना मेरे को। अभी ये मैं ना तरी वाले बना रही हूँ, ये मैंने देखो तड़का भी लगा लिया है इसका, बस अब थोड़ा सा ऑयल छोड़ देगा तो बस मसाला भी रेडी है इसका। ये मैंने दो, वही मैंने आपको बताया था, अनियन पहले थोड़े से ऑयल में मतलब थोड़े से भून लिए, फिर उसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, और फिर मैंने दो तीन टमाटर कट करके उसकी प्यूरी डाल दी। बस फिर अब ये थोड़ा सा मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो मैं इसको फिर छोलों में डालूंगी, और छोले बन के रेडी हैं। और इधर मैंने अपने राइस भी भिगो दिए हैं, राइस भी मतलब मैं बस रखने वाली हूँ, वो मैं बॉयल्ड राइस ही बनाऊँगी क्योंकि फिर हैवी नहीं खाना बिल्कुल भी, तो लाइट लाइट ही है, फिर वही या जीरे वाले बना लूँगी या बॉयल्ड राइस भिगो दिए हैं मैंने, और ये तो रात को ही बनेंगे। हेलो गाइस, सो गाइस आप सभी कैसे हैं? सो मैंने अभी अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ किचन से, तो किचन में मैंने बना लिया है अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने आज बनाया है सेवियाँ, और अपने लिए मैंने बनाया ये क्या कहते हैं ओट्स। तो मैं तो सेवियाँ खाती नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए ओट्स बना देती हूँ। और ये वाली सेवियाँ हैं, ये रोस्टेड सेवियाँ हैं, और ये ना मतलब इसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसमें बस एज इट इज़ बस अपना वेजिटेबल्स डालो और साथ में सेवियाँ मतलब टमाटो प्यूरी वगैरह डाल दो, और साथ में ही सेवियाँ डाल दो, फिर थोड़ा सा पानी डाल दो, फिर उसके बाद सेवियाँ बिल्कुल बन के रेडी हो जाती हैं। और इधर मैंने चाय भी रख दी है अपनी, और इधर ये भी बैठे हैं। सो गाइस आप भी आ जाओ एक बार, हेलो गाइस बोल दो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ कैमरे में। तो इनको भी मैंने बोला है, और आज मैंने ये हेलो वाला गाइस, कैसे टॉप, हो आप? सब बढ़िया, उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। इनकी डिमांड, इन्होंने बोला है कि ना मुझे सेमिया बना के सेमिया मुझे दें, अच्छी लगती है तो बनवाओ ना। तो एक मिनट यहीं खड़े रहो, तो फिर आप आगे आओ थोड़ा, तो फिर ये कहते हैं चल मैं सेवियां बना देता हूँ, तो सॉरी बना नहीं देता हूँ, ये मैं मन नहीं में मुझे आता है कुछ बनाना, बना देता हूँ। ये नहीं ये वही बनाएंगे ऐसी कभी, बातें करती हैं जान किचन का कोई काम इनको आता कुछ नहीं है नहीं है, करना, मुझे खाना आता है तो सिर्फ, लेकिन बस ये है कि ऑर्डर देना और खाना, बनाओ बनाओ जल्दी नथिंग। बनाओ, देखो मेरे को तो देर हो गई। अब ये इनको और ये ऑफिस की जल्दी, तो ये कह रहे हैं मुझे फटाफट दे, और फिर मैं अभी आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। यार आप एक बात बताओ, आपको सेवियां अच्छी लगती हैं? मुझे मुझे लगते अच्छे हैं लगे ओट्स, सेवे बनाई अच्छे मतलब लगे। आपको सेवियां, मुझे ओट्स, तो मैं आलस नहीं करती। मैंने आप भी सेमिया खा लिएगा, देखो मैं तो फिर भी मैंने खा लेता आपके हूँ। लिए ओट्स बनाया है, ये मेरी चाय है, और वो खा रहे हैं सेवियां, और रोहन के लिए भी ओट्स सॉरी सेवियां बनाई हैं और चाय, तो ये लोगों की, अभी मिशिका के लिए भी अलग सेवियां बनेंगी। तो मेरा जो आपको है उसको बनाने ना नहीं चाहिए थी पहले, जाते वैसे हैं बनाऊ, वो क्यों? नॉन खाती नहीं है, वो बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के खाती है। भी वेजिटेबल्स खा लेते हैं बहुत सारे, हमने वो मैं फिर घंटा तो भर देखा था। डाली है, मैंने वेजिटेबल्स डाली नहीं है, नजर नहीं आ रही है, मटर और कैरेट ये सब डाला है। तो आप भी एंजॉय कीजिए और खाइए ये ओट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं, और सेमियां। ओके हाय गाइस, सो गाइस बस मैं अभी अपना ब्रेकफास्ट बिल्कुल फिनिश करके ही बैठी हूँ, क्योंकि
क्योंकि हम तीनों का ब्रेकफास्ट हो चुका है, बट मिशिका रह गई है, उसका ब्रेकफास्ट अभी होना है क्योंकि उसका अलग से ही बनता है। उसका एक्चुअली में उसके एग्ज़ाम भी है, सो उसका ना ऑफिस वर्क भी होता है, तो उसका थोड़ा सा आजकल बिजी शेड्यूल चल रहा है क्योंकि वो उसका है शायद 13 को एग्ज़ाम है। तो फिर वो कहती है कि मामा तब तक तो मेरा ऐसे ही शेड्यूल रहेगा, और कोई बात नहीं, उसका वैसे भी ब्रेकफास्ट अलग ही बनता है चाहे वो हो ना हो, क्योंकि उसमें ना मतलब उसकी खूब सारी वेजेस डालती हूँ, उसको तभी अच्छा लगता है। कुछ भी बनाऊँ, मतलब ये नहीं है कि मतलब सेमिया बनाऊँ, पोहा बनाऊँ, उसको वेजेस नज़र आनी ही चाहिए। लंच में अब मैं बना रही हूँ ये न्यूट्रीला की सब्ज़ी। तो इसमें क्या है, न्यूट्रीला मैंने ऐसे सोख करके रख दी है, देखो एक मतलब थोड़ी सी जैसे ये मतलब मोटी वाली है और एक थोड़ी बारीक न्यूट्रीला है, तो मैंने इसको ऐसे सोख कर दिया था आधा घंटा पहले। तो बस अब मैं इसमें मसाला रेडी कर रही हूँ कुकर में। अब इसमें दो अनियन लिए हैं मैंने, ये देखो दो अनियन कट करके वही इसको मिक्सी ग्राइंडर में पीस के थोड़ा सा मतलब ऑयल में भून लूँगी। देन जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड देन टमाटो प्यूरी, ये सब ऐड करके फिर उसके बाद मैं मसाला रेडी कर लूँगी। तो फिर इसको इसमें डाल दूँगी और थोड़ा सा पनीर डाल दूँगी, तो एक दो विसल दिलवाऊँगी तो जो हमारी न्यूट्रीला की सब्जी है वो रेडी हो जाएगी। और इस ये काफ़ी इसमें प्रोटीन होता है, जो वेजिटेरियंस हैं उनको अगर वो एग्स नहीं खाते, स्पेशली मिशिका मेरे से बनवाती है क्योंकि वो एग्स वगैरह में थोड़ा कम खाती है, मतलब खाती ही नहीं है यार। हम लोग मैं फिर भी बॉयल एग वगैरह ले लेती हूँ और रोहन और ये भी खा लेते हैं, तो मिशिका नहीं खाती, तो उसको ऑल्टरनेट चाहिए। तो वो फिर कहती है कि मेरे लिए एक बार ये हफ्ते में या जब भी आप मेरे लिए न्यूट्री की सब्जी बनाया ही करो। तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रोहन नहीं खाता, मुझे अभी कह के गया कि मेरे लिए आप कोई परांठा बना दो। यार ठीक है, परांठा भी बना दूंगी। ओके सो गाइस, देखो अब मैं अगेन किचन में आ गई हूँ और वो मैं कर रही हूँ लंच प्रिपेयर अपना। यार लेडीज़ का काम है हर मील को प्रिपेयर करना, तो वही है अब हमें करना ही है। यार मुझे लगता है यार कि लेडीज़ तो यार ऑलराउंडर्स होती हैं क्योंकि उनको ना हर चीज़ करनी आती है मैनेज। अब घर का भी देखना, कोई घर की चीज़ टूटी फूटी है उसको भी आप मैनेज कर सकते हो, मतलब हर चीज़ को मुझे देखना। मैं क्योंकि पूरा घर को देखती हूँ कि कहीं घर में क्या लीकेज हो रही है, घर में क्या टूटा फूटा पड़ा है। अब जैसे हमने कल परसों थोड़ा सा लकड़ी का भी काम करवाया, मतलब काम नहीं करवाया, जस्ट ऐसे ही लॉक टूटा हुआ था ये वो, तो वो करवाया। तो बस एक मतलब लेडीज़ को ही देखना पड़ता है, जेंट्स तो देखो सुबह के गए रात को आते हैं, उनको ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो अपना ना उनको बस यही है कि बोल दो कि हाँ ये काम कराना है वो कराना है। तो मुझे बड़ा होता है कि घर की चीज़ें ऐसे ख़राब हो रही हो ना, मुझे लगता है यार अभी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। सो अब मैं बना रही हूँ, वही मैंने आपको जो बताया था न्यूट्रीला की सब्जी, और फिर उसके बाद हम बनाएंगे चपातीस, देन मैं जाऊँगी मंदिर। ओके सो अभी मिलती हूँ मैं आपसे। सो गाइज बस मैं अभी जस्ट अभी मंदिर से आके बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चलो बस ये इवनिंग टाइम हो गया है, 6 o'clock हो गए हैं क्योंकि हम जाते हैं 4 बजे मंदिर, तो वही 6 बज जाते हैं हम। पर ये मैंने आपको बताया था पहले हम मंदिर जाते हैं फिर उसके बाद हम थोड़ी मस्ती वस्ती करते हैं। तो मैंने आज अभी साईं बाबा जी की भी थोड़ी सी वीडियो बनाई है, तो मैं आपको इस व्लॉग में दिखाती हूँ। और बस वही अब रात की डिनर की भी तैयारी करनी है, अभी बस रोहन से पूछ रही हूँ, अब रोहन का भी कल एग्ज़ाम है तो मैंने कहा चलो पूछती हूँ उससे क्या खाना है। अभी तो मैं उसके लिए वैसे मलाई चाप ले आई थी, तो अब रात को अब देखूँगी अब क्या कुछ लाइट सा ही बना लेंगे, ज़्यादा हैवी तो खाएंगे नहीं। और बस अब मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, कल मिलेंगे हम एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप मेरे व्लॉग्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर।